देखते हैं छत्तीसगढ़ की राज्य व्यवस्था या प्रशासन के बारे में। ठीक है, किसी भी राज्य की प्रशासन की तीन इकाई होती है, जिनमें एक होती है विधायिका, दूसरा होती है कार्यपालिका और तीसरा है न्यायपालिका। ठीक, ये तीन अंग होते, याद रखना। अब ये तीनों अंग के कार्य क्या क्या हैं? तो जो विधायिका है वह राज्य की लोक कल्याणकारी कर्मों को संपन्न करने के लिए विधि बनाने का काम करता है राज्य संचालन के लिए, और इस विधि को लागू कराने का कार्य करता है कार्यपालिका, प्रशासन कार्य भी करता है। न्यायपालिका गलत विधि और गलत न्याय लागू करने से हमको संरक्षण प्रदान करता है। ठीक है, ये प्रशासन के याद रखना तीन अंग है, लेकिन विधायिका और कार्यपालिका लगभग आपस में जुड़े होते हैं, याद रखना। ठीक है, विधायिका और कार्यपालिका लगभग आपस में जुड़े होते हैं। जैसे जो राज्यपाल, जो गवर्नर होता है, वह विधायिका का भी अंग है और कार्यपालिका का भी अंग है। उसी प्रकार सीएम, ठीक, मुख्यमंत्री विधायक होते हैं, उसके बाद सीएम है, और थर्ड जाएंगे ग्रुप ऑफ मिनिस्टर, मंत्री परिषद, याद रखना। ठीक है, और न्यायपालिका का इनसे जुड़ाव नहीं होता। ठीक, राज्य की विधायिका को, किसी भी राज्य का हो, ठीक, राज्य की विधायिका को विधानमंडल के नाम से जानते हैं, रखना। ठीक है, राज्य की विधायिका को विधानमंडल के नाम से जानते हैं। इसका प्रावधान भारतीय संविधान के आर्टिकल 168 में इसका प्रावधान किया गया है। ठीक है, विधानमंडल के तीन अंग होते हैं, जैसे केंद्र में होता है संसद, केंद्र की विधायिका होती है संसद, संसद के तीन अंग होते हैं। ठीक, उसी प्रकार विधानमंडल के भी तीन अंग होते हैं। ठीक, पहला जाएगा विधान परिषद, दूसरा विधानसभा और तीसरा हो जाएंगे राज्यपाल, याद रखना। ठीक है, विधान परिषद का प्रावधान है आर्टिकल 169 में। ठीक है, जबकि विधानसभा का प्रावधान है आर्टिकल 170 में। ठीक है, और राज्यपाल का प्रावधान है आर्टिकल 155 में। ठीक है, विधान परिषद का 169 में, विधानसभा का 170 में, राज्यपाल का 155 में, रखना। ठीक है, भारत संघ के केवल 6 राज्यों के विधानमंडल में विधान परिषद है, और मैक्सिमम राज्यों का जो विधानमंडल है वह द्विसदनीय है, अर्थात विधानसभा और राज्यपाल से मिलकर बना है। हमारे छत्तीसगढ़ का भी विधानमंडल विधानसभा और राज्यपाल से ही मिलकर बना है, रखना। ठीक है, ये हो गया विधायिका। विधायिका में हमको क्या पढ़ना है, यहां पर हमको विधानसभा के पदाधिकारी जैसे स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, प्रोटेम स्पीकर, अपोजिट लीडर, इनके नाम और क्रम बस पढ़ना है। ठीक, इनके कार्य वगैरह नहीं आता, संविधान के मैटर है। ठीक है, उसके बाद राज्यपाल की भी यहाँ पर कार्य वगैरह नहीं पढ़ना है, राज्यपाल भी इनके क्रम और नाम आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे कार्यपालिका। कार्यपालिका में पहला जाएगा गवर्नर, दूसरा मुख्यमंत्री, तीसरा ग्रुप ऑफ मिनिस्टर, चौथा एडवोकेट जनरल। ठीक, ये सब आएंगे कार्यपालिका में। ठीक है, जबकि न्यायपालिका में आएगा हाईकोर्ट। ठीक है, न्यायपालिका में आएंगे हाईकोर्ट। एक बार फिर से बता रहा हूं, इस टॉपिक में या इस लेसन में हमको क्या पढ़ना है, तो इस लेसन में हमको छत्तीसगढ़ के पदाधिकारियों के नाम पढ़ना है। ठीक है, हमको संविधान टाइप के इसमें नहीं पढ़ना है कि विधानसभा अध्यक्ष के कार्य क्या है, नियुक्ति कैसा होता है, पदमुक्ति की प्रक्रिया कैसे होती है, ये सब नहीं पढ़ना, हमको केवल नाम और उनके क्रम को पढ़ना है। ठीक है, आप आंसर देख लीजिए, इसी प्रकार के प्रश्न आते हैं, एकाध दो कभी काल आ जाते हैं, बाकी 99% क्वेश्चन इसी प्रकार रहते हैं, एकाध दो प्रश्न कभी आर्टिकल संबंधित रहता है। ठीक है, सबसे पहले देख लेते हैं हम लोग छत्तीसगढ़ के विधायिका में विधानसभा के बारे में। ठीक है, विधानसभा के बारे में सबसे पहले देखेंगे प्रावधान। विधानसभा का प्रावधान भारतीय संविधान की अनुच्छेद 170 में आ गया। ठीक है, नेक्स्ट
छत्तीसगढ़ के विधानसभा भवन का नाम क्या है, यह प्रश्न आ चुका है। तो विधानसभा भवन का नाम है मिनी माता भवन। ये कहाँ है तो रायपुर में रखना, ठीक। मिनी माता भवन ये कहाँ है तो रायपुर में, ठीक है। मिनी माता कौन थी तो ये छत्तीसगढ़ की प्रथम महिला सांसद थी, याद रखना। उन्हीं के स्मृति में इस भवन का नामकरण किया गया है, ठीक है। उसके बाद कार्यों में एक प्रमुख कार्य, बहुत ज्यादा कार्य याद करने का आवश्यकता नहीं है। छत्तीसगढ़ विधानसभा में विधायिका बनाएंगे, धन विधेयक पहले यही प्रस्तुत होगा, ठीक है। अब खैर विधानसभा है तो यही प्रस्तुत होगा। उसके बाद मंत्रिमंडल का ध्यान रखना, मंत्रिमंडल के वेतन भत्तों का निर्धारण, वेतन भत्तों का निर्धारण कौन करेंगे तो विधानसभा करेगा, ठीक है। उसके बाद संख्या, यदि प्रश्न आता है कि छत्तीसगढ़ में विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है तो इसका आंसर होगा 91, ठीक 91, जिनमें से 90 निर्वाचित है, 90 याद रखना निर्वाचित है, और एक याद रखेंगे मनोनीत, ठीक। लेकिन प्रश्न आता है यदि निर्वाचित सदस्यों की संख्या, ठीक है, निर्वाचित सदस्यों की संख्या, तब आंसर जाएंगे 90। यदि प्रश्न आता है विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या, तब तो आंसर 90 होगा, ठीक है। अब देखते हैं छत्तीसगढ़ विधानसभा में आरक्षण की स्थिति, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे छत्तीसगढ़ विधानसभा में आरक्षण की स्थिति, ठीक। तो पहले कॉलम ले लेते हैं वर्ग, दूसरे कॉलम में परिसीमन। ये परिसीमन क्या होता है इससे मतलब नहीं, बस इतना रखना परिसीमन। तो परिसीमन के पूर्व और परिसीमन के बाद, ठीक। वर्ग में सबसे पहले देखते हैं एसटी, अनुसूचित जनजाति वर्ग। एसटी वर्ग का परिसीमन के पूर्व 34 सीट था, परिसीमन के बाद हो गया है 29 सीट, ठीक है। एससी वर्ग के लिए परिसीमन के पूर्व भी 10 था, वर्तमान में भी 10 है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अनारक्षित, परिसीमन के पूर्व था ये 46, ठीक, वर्तमान में हो गया है ये 51। उसके बाद जाएंगे नेक्स्ट मनोनीत सदस्य, मनोनीत सदस्य परिसीमन के पूर्व भी एक था और अब भी एक है, ठीक है। तो कुल सदस्यों की संख्या हो जाएंगे, पूर्व भी 91 था, वर्तमान में भी 91 है, लेकिन आरक्षण की स्थिति में परिवर्तन हुआ है, ठीक है। पहले आरक्षित सीटों की संख्या 44 हुआ करता था, वर्तमान में हो चुका है 39, ठीक। छत्तीसगढ़ पीएससी और व्यापम में कई बार प्रश्न आते हैं कि कौन सा विधानसभा सीट आरक्षित एसटी के लिए है, कौन सा विधानसभा सीट एससी का आरक्षित है और कौन सा अनारक्षित है, ठीक है। इनमें यदि हम लोग एसटी और एससी की याद कर लेंगे तो अनारक्षित हमको बन जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग छत्तीसगढ़ में विधानसभा सीटों की स्थिति। छत्तीसगढ़ में विधानसभा सीट की स्थिति, ठीक है। तो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि प्रदेश में कुल 90 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र है, ठीक है। इस 90 निर्वाचन क्षेत्र में से यदि आरक्षण की स्थिति की बात करें तो हम लोग शुरुआत में पढ़ चुके हैं एसटी वर्ग के लिए 29 सीट, एससी वर्ग के लिए 10 सीट और अनरिजर्व है 51, 51 सीट, ठीक है। तो कई एग्जाम में पूछे जा चुके हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा सीट एसटी सीट है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा सीट एससी सीट है और निम्नलिखित में से कौन कौन सा सीट अनारक्षित सीट है, ठीक है। तो हम लोग एसटी और एससी को याद कर लेते स्वतः बन जाएगी, ठीक है। उसके बाद देखते हैं संभागवार इनकी स्थिति, इसको हम टेबल देख लेते हैं। पहले कॉलम लिखेंगे संभाग का नाम, दूसरे कॉलम में एसटी वर्ग के लिए आरक्षित सीट, तीसरे के लिए एससी वर्ग के लिए आरक्षित सीट, चौथा हो जाएंगे अनारक्षित सीट और पांच हो जाएगा कुल सीट, ठीक है, बन जाएंगी। संभाग की बात करेंगे तो पहला सरगुजा संभाग, सरगुजा संभाग में 9 एसटी सीट है,
एससी सीट एक भी नहीं है, अनारक्षित हो जाएंगे 5, कुल मिला के सरगुजा संभाग में 14 विधानसभा सीट है। ठीक है, दूसरा देखते हैं बिलासपुर संभाग। बिलासपुर संभाग में 5 सीट है एसटी के लिए और 4 सीट है एससी वर्ग के लिए और 15 सीट है अनारक्षित, कुल मिला के जाएंगे 24 सीट है। ठीक है, तो याद रखना बिलासपुर संभाग विधानसभा सीटों की स्थिति। तीसरा हो जाएगा दुर्ग संभाग, चौथा हो जाएंगे रायपुर संभाग, दोनों में इक्वल स्थिति है, 2 सीट एसटी के लिए दोनों संभाग, याद रखना। ठीक है, 3-3 सीट एससी के लिए, याद रखना दोनों संभाग में है, अनारक्षित 15-15 दोनों संभाग में है, कुल मिला के 20 सीट, 20 विधानसभा सीट दुर्ग संभाग में है और 20 विधानसभा सीट रायपुर संभाग में है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट बस्तर संभाग। बस्तर संभाग में कुल 11 सीट एसटी के लिए, एससी के लिए एक भी नहीं है और अनारक्षित के लिए केवल और केवल एक ही जगदलपुर है। ठीक है, और बस्तर संभाग में कुल विधानसभा सीटों की बात की जाएंगे तो आएंगे 12। ठीक, तो ये याद रखना कुल हो जाएगा 90 और सामान्य वर्ग हो जाएंगे 51। ठीक है, एससी वर्ग हो जाएगा 10 और एसटी वर्ग हो जाएंगे 29 सीट। ठीक है, ये संभागवार आरक्षण की स्थिति याद रखना। चलिए अब मैप में देखने का प्रयास करते हैं कि कौन कौन से संभाग के कौन कौन सा सीट एसटी सीट है और कौन कौन सा सीट एससी सीट है। यदि आप ये दोनों को याद कर लिए तो जो शेष बच गया वो हो जाएंगे अनारक्षित सीट। ठीक है, इसको हम लोग संभागवार देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं बस्तर संभाग। बस्तर संभाग में कुल 12 विधानसभा सीट है जिनमें से 11 सीट, यहां रखें, जिनमें से 11 सीट एसटी के आरक्षित है और केवल एक जगदलपुर सीट अनारक्षित है। ठीक है, तो हम लोग शुरुआत में ही पढ़ चुके हैं कि बस्तर संभाग में 7 जिले हैं जिनमें से कांकेर है, दूसरा जिला कोंडागांव है, तीसरा बस्तर है, चौथा सुकमा है, पांचवा दंतेवाड़ा है, छठवां बीजापुर है और सातवां नारायणपुर है। अब देखेंगे विस्तार से, तो कांकेर, कांकेर में पहला हो जाएगा कांकेर विधानसभा सीट, दूसरा भानुप्रतापपुर विधानसभा सीट, तीसरा हो जाएंगे अंतागढ़। ठीक है, ये तीनों के तीनों एसटी है। ये कौन से जिला में इतना मतलब नहीं है, बस याद रखना तीनों एसटी सीट है। कोंडागांव में एक हो जाएगा केशकाल विधानसभा सीट और दूसरा हो जाएंगे कोंडागांव विधानसभा सीट। ठीक है, बस्तर में एक हो जाएंगे बस्तर विधानसभा सीट, दूसरा हो जाएगा चित्रकूट विधानसभा सीट और तीसरा जगदलपुर विधानसभा सीट। ठीक है, सुकमा में एकमात्र विधानसभा सीट है, वो भी सुकमा है। दंतेवाड़ा में एकमात्र विधानसभा सीट है, वो भी दंतेवाड़ा है। बीजापुर में एकमात्र विधानसभा सीट है, वो भी बीजापुर ही है। और नारायणपुर में भी एकमात्र विधानसभा सीट है, वो भी नारायणपुर। ठीक है, ये हो गए 12। 12 में से जगदलपुर याद रखना अनारक्षित है, शेष 11 एसटी वर्ग के लिए आरक्षित है। कौन कौन से 11 हो गए देखते हैं, कांकेर 1, भानुप्रतापपुर 2, अंतागढ़ 3, केशकाल 4, कोंडागांव 5, उसके बाद बस्तर 6, चित्रकूट 7, सुकमा 8, दंतेवाड़ा 9, बीजापुर 10 और नारायणपुर 11 आरक्षित। ठीक है, ये 11 सीट किसके लिए आरक्षित है, तो एसटी वर्ग के लिए। उसके बाद दुर्ग संभाग। दुर्ग संभाग के राजनांदगांव का मोहिला मानपुर, ठीक है, मोहिला मानपुर सीट और बालोद को जाएंगे डोंडी लोहारा, डोंडी लोहारा सीट, ये दो याद रखना दुर्ग संभाग में एसटी सीट है। ठीक है, रायपुर संभाग की बात करेंगे तो धमतरी में जाएंगे सिहावा विधानसभा सीट और गरियाबंद में जाएगा बिंद्रा नवागढ़, बिंद्रा नवागढ़ सीट याद रखना।
ठीक है। बिलासपुर संभाग की बात की जाए तो बिलासपुर संभाग के रायगढ़ जिले के लैलुंगा सीट एक, धर्मजगढ़ सीट दो, कोरबा में एक रामपुर जाएगा तीन, पाली चार, उसके बाद बिलासपुर सॉरी गौरला पेंड्रा मरवाही का मरवाही सीट, ठीक। नेक्स्ट गौरला पेंड्रा मरवाही जिला का मरवाही सीट, ठीक है। तो ये पांच याद रखना बिलासपुर संभाग में, ठीक है। अब देखते हैं सरगुजा संभाग। सरगुजा संभाग के सबसे पहले देखेंगे जसपुर जिला। जसपुर में तीन है, एक आपका जसपुर विधानसभा सीट, दूसरा जाएंगे कुनकुरी विधानसभा सीट और तीसरा जाएगा पत्थलगांव विधानसभा सीट। ये तीनों के तीनों विधानसभा सीट एसटी है, ठीक है। उसके बाद हो जाएंगे बलरामपुर। बलरामपुर में एक हो जाएगा पाट सामरी और दूसरा नंबर पर हो जाएंगे रामानुज गंज, ठीक है। ये जसपुर हो गया, दूसरा ये बलरामपुर हो गया। अब देखते हैं सरगुजा। सरगुजा में एक हो जाएगा आपका लुंडरा, दूसरा हो जाएंगे सीतापुर, ठीक है। एक लुंडरा दूसरा सीतापुर, ठीक। उसके बाद सूरजपुर हो जाएगा प्रतापपुर। सूरजपुर में याद रखना प्रतापपुर, आठ हो गया। नेक्स्ट देखेंगे कोरिया। कोरिया हो जाएगा भरतपुर सोनहट। भरतपुर सोनहट याद रखना, ठीक है। ये हो गया प्रदेश में 29 एसटी सीट, ठीक। बस्तर संभाग में 11, ठीक है। दुर्ग संभाग में 2 13, रायपुर संभाग में 2 15, बिलासपुर संभाग में 5 20, ठीक है। और ये सरगुजा संभाग में 9 29 सीट, ठीक। अब देखते हैं छत्तीसगढ़ में एससी विधानसभा सीट, अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित विधानसभा सीट। तो हम लोग शुरुआत में पढ़ चुके हैं कि बस्तर संभाग में भी नहीं है और सरगुजा संभाग में नहीं है, ठीक। कहाँ कहाँ है हम लोग पढ़ चुके हैं। बिलासपुर संभाग में 4 है, दुर्ग संभाग में 3 है और रायपुर संभाग में 3। अब देखते हैं कौन कौन सा है। बिलासपुर संभाग में 4 है, उनमें से रायगढ़ जिले की सारंगढ़ विधानसभा सीट, सारंगढ़ 1, जांजगीर चांपा का पामगढ़ विधानसभा सीट 2, बिलासपुर का मस्तूरी विधानसभा सीट 3 और मुंगेली का मुंगेली विधानसभा सीट 4। ये 4 याद रखना, कौन कौन सा, सारंगढ़ 1, पामगढ़ 2, उसके बाद मस्तूरी 3 और मुंगेली 4। अब देखते हैं रायपुर संभाग में 3 कौन है, ठीक है। तो पहला हो जाएगा सरईपाली, पहला सरईपाली, दूसरा बलौदा बाजार का बिलाईगढ़, ठीक है, और रायपुर का आरंग। ये 3 सीट याद रखना अनुसूचित जाति वर्ग के लिए आरक्षित है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट दुर्ग संभाग। इसको याद करने में ट्रिक बता रही, इस तरीके से त्रिभुज बना के याद करने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। तो राजनांदगांव का डोंगरगढ़ 1, बेमेतरा का नावागढ़ 2 और दुर्ग का अहिवारा 3, ठीक है। तो ये हो गए छत्तीसगढ़ में 29 सीट अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है और 10 सीट याद रखना अनुसूचित जाति के लिए। यदि आपने इनको याद कर लिया तो जो शेष 51 आरक्षित है वो ऑटोमेटिक इन विकल्पों के आधार पर आप देख के बना सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं छत्तीसगढ़ विधानसभा के पदाधिकारी, ठीक। छत्तीसगढ़ विधानसभा के पदाधिकारी, इसको हम लोग टेबल देखने का प्रयास करते हैं। कई बार प्रश्न आ चुका है पदाधिकारियों के नाम और उनके क्रम, ठीक है। तो इसको हम लोग टेबल बना लेते हैं। इसमें सबसे पहले कर लेंगे विधानसभा का क्रम, पहले कॉलम में विधानसभा का क्रम प्लस कार्यकाल भी इसी में कर लेते हैं, ठीक है, कार्यकाल। उसके बाद हो जाएगा अध्यक्ष स्पीकर, ठीक है। दूसरा जाएंगे डिप्टी स्पीकर या उपाध्यक्ष, तीसरा जाएंगे नेता प्रतिपक्ष और चौथा मनोनीत सदस्य, ठीक है।
ये चारों को देखते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं विधानसभा के क्रम एवं कार्यकाल। तो पहला जाएंगे प्रथम विधानसभा, इनका कार्यकाल रहा सन 2000 से लेकर 2003 तक, ठीक है। सेकेंड नंबर का रहा 2003 से लेकर 2009 तक। थर्ड नंबर रहा तृतीय क्रम का विधानसभा कार्यकाल 2009 से लेकर 2014 तक। नेक्स्ट फोर्थ चतुर्थ नंबर का रहा 2014 से लेकर 2019 तक, और अभी चल रहा है, ठीक है, पांचवा क्रम का विधानसभा सत्र 2019 से लेकर अब तक, ठीक है। तो प्रथम विधानसभा कार्यकाल के दौरान विधानसभा के स्पीकर थे राजेंद्र प्रसाद शुक्ला, ठीक। दूसरे में थे प्रेम प्रकाश पांडे, प्रेम प्रकाश पांडे आर। तीसरे में थे धर्मलाल कौशिक, थर्ड याद रखना धर्मलाल कौशिक। उसके बाद चतुर्थ नंबर पर थे गौरी शंकर अग्रवाल, गौरी शंकर अग्रवाल याद रखना, और अभी वर्तमान में है चरण दास महंत, ठीक है, जांजगीर चांपा के शक्ति से विधायक है चरण दास महंत। तो प्रथम विधानसभा के समय स्पीकर के पद पर थे राजेंद्र प्रसाद शुक्ला, दूसरा में प्रेम प्रकाश पांडे, तीसरे में धर्मलाल कौशिक, चौथा में गौरी शंकर अग्रवाल, और पांचवे में अभी वर्तमान में है चरणदास मान। अब बात करते हैं उपाध्यक्ष डिप्टी स्पीकर का, ठीक है। तो प्रथम कार्यकाल में सबसे पहले बनाया गया था बनवारी लाल अग्रवाल को, ठीक है, बनवारी लाल अग्रवाल को। उसके बाद इनके स्थान पर नियुक्त किया गया धर्मजीत सिंह, ठीक है। लेकिन प्रश्न आता है कि प्रथम विधानसभा उपाध्यक्ष, तो आंसर होगा बनवारी लाल अग्रवाल, उनको हटाने के बाद धर्मजीत सिंह रखा गया था, ठीक है। द्वितीय कार्यकाल में जाएंगे बद्रीधर दीवान, बद्रीधर दीवान। तीसरा में नारायण चंदेल, थर्ड में याद रखना नारायण चंदेल। फोर्थ में पुनः जाएंगे बद्रीधर दीवान, ठीक है, और अभी पांचवें में है मनोज मंडावी, ठीक, मनोज मंडावी याद रखना। नेक्स्ट देखेंगे नेता प्रतिपक्ष। प्रथम विधानसभा सत्र में नेता प्रतिपक्ष थे नंद कुमार साय, ठीक है, नंद कुमार साय याद रखना। दूसरा में जाएंगे महेंद्र कर्मा, ठीक है। तीसरा में जाएगा रविंद्र चौबे, जो भी कृषि मंत्री है। चौथे में जाएंगे टीएस सिंहदेव, और अभी वर्तमान में है धर्मलाल कौशिक, ठीक है, धर्मलाल कौशिक याद रखना, बिला विधायक, ठीक है। अब देखते हैं मनोनीत सदस्य की बात करें तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 333 में यह प्रावधान किया गया है कि जब विधानसभा में राज्यपाल की नजरों में लगे कि आंग्ल भारतीय समुदाय के पर्याप्त प्रतिनिधि नहीं मिला है, तो इन परिस्थितियों में अनुच्छेद 333 के तहत आंग्ल भारतीय समुदाय के किसी व्यक्ति को राज्यपाल मनोनीत कर सकता है, ठीक है। तो प्रथम विधानसभा के दौरान मैकलाउड, ठीक है, उसके बाद दूसरा में जाएंगे बैकमैन, और तीसरा में जाएंगे रोड्रिक्स, चौथा में जाएंगे रोड्रिक्स रखना, अभी पांचवें में किसी को भी नियुक्त नहीं किया गया है, ठीक है, बन जाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं छत्तीसगढ़ के राज्यपाल,
ठीक है। राज्यपाल के संबंध में संविधान में पढ़ते हैं कि बहुत सारे प्रावधान उसमें, जैसे कि नियुक्ति, पदमुक्ति, कार्यकाल, योग्यताएं। यहां पर हमको केवल और केवल छत्तीसगढ़ के अब तक के राज्यपाल के बारे में पढ़ना है, ठीक है। उनके क्रम, कार्यकाल, पूर्व निर्धारित और संबंधित राज्य, इसी बारे में पढ़ना है। लेकिन कुछ फैक्ट इनको देख लेते हैं। राज्य का कार्यकारी प्रमुख कौन होता है? तो राज्यपाल होता है, ठीक है। नेक्स्ट, राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? तो राज्यपाल होता है। नेक्स्ट, राज्य का संवैधानिक प्रमुख, राज्य के संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल। नेक्स्ट, राज्य का प्रशासन, राज्य का प्रशासन राज्यपाल के नाम से संपादित होता है, रखना, ठीक है। नेक्स्ट रखेंगे, दो या दो से अधिक राज्यों के एक ही राज्यपाल हो सकते हैं। यह प्रावधान सातवें संविधान संशोधन में प्रावधान किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, अनुच्छेद 155, 155 में राज्यपाल के नियुक्ति का प्रावधान है, ठीक है। उसके बाद 163 में मंत्रिपरिषद ग्रुप ऑफ मिनिस्टर की नियुक्ति का प्रावधान है। उसके बाद 167 में मुख्यमंत्री का ये कर्तव्य होगा कि समय समय पर राज्यपाल को शासन प्रशासन की स्थिति के संबंध में अवगत कराए। नेक्स्ट 176, 176 में राज्यपाल द्वारा विधानसभा में, ठीक, राज्यपाल द्वारा विधानसभा में विशेष अभिभाषण का प्रावधान है, ठीक है, विशेष अभिभाषण का प्रावधान है, ठीक। एक लास्ट फैक्ट जो बार बार आता है, जो स्टेट पीएससी होता है इसके अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो नियुक्ति करता है राज्यपाल, ठीक है, गवर्नर करता है। लेकिन इसकी पद मुक्ति मोस्ट एमपी है, पद मुक्ति कौन करता है? तो भारत के राष्ट्रपति करता है, ठीक है। ये राज्यपाल के संबंध में कुछ सामान्य बातें हैं, क्या क्या पढ़े। तो वह कार्यकारी प्रमुख होता है, कार्यपालिका का प्रमुख है, संवैधानिक प्रमुख होता है, राज्य का प्रशासन राज्यपाल के नाम संचालित होता है, दो या दो से अधिक राज्यों के राज्यपाल हो सकता, एक ही व्यक्ति हो सकता है। ये सातवें संविधान संशोधन के तहत पराजित किया गया, ठीक है। 155 के तहत राज्यपाल की नियुक्ति है, 163 के तहत ग्रुप ऑफ मिनिस्टर मंत्रिपरिषद की नियुक्ति का प्रावधान है। नेक्स्ट 167 में मुख्यमंत्री के कर्तव्यों का प्रावधान है, 176 में राज्यपाल द्वारा विधानसभा में विशेष अभिभाषण का प्रावधान है। उसके बाद मोस्ट टाइम भी है, राज्य लोक सेवा के सदस्यों का नियुक्ति एवं अध्यक्ष का नियुक्ति गवर्नर करता है, किंतु पद नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं छत्तीसगढ़ के अब तक के राज्यपाल। सबसे पहले राज्यपाल के नाम, दूसरे कालम हो जाएंगे उनके कार्यकाल, दूसरे कालम याद रखना कार्यकाल, तीसरे कालम हो जाएंगे पूर्व पद धारित, ठीक है, पूर्व पद धारित, और चौथे कालम में संबंधित राज्य, ठीक। सरकारी आयोग की सिफारिश के तहत कहा गया है कि उसी राज्य के व्यक्ति को उसी राज्य का राज्यपाल नहीं बनाना चाहिए, ठीक है। उसमें एक प्रावधान और भी कहा गया है सरकारी आयोग में कि किसी भी राज्य में राज्यपाल नियुक्ति के पूर्व उस राज्य के मुख्यमंत्री से एक बार परामर्श लेना चाहिए। यह संविधान में कहीं उल्लिखित नहीं है, केवल व्यवहार की बात है, ठीक है। चलिए देखते हैं, सबसे पहले छत्तीसगढ़ के प्रथम राज्यपाल थे दिनेश नंदन सहाय, ठीक है, डीएन सहाय। इनका कार्यकाल रहा सन 2000 से लेकर 2003 तक। इनका पूर्व पद धारित है आईपीएस, ये बिहार राज्य से, ठीक है। दूसरे राज्यपाल हुए के एम सेठ, कृष्ण मोहन सेठ, ठीक है। इनका कार्यकाल रहा 2003 से लेकर 2007 तक, ठीक। याद रखना आर्मी मैन रिटायर्ड व्यक्ति थे, ये उत्तर प्रदेश के व्यक्ति थे, ठीक है। यहीं पर एक कार्यवाहक राज्यपाल आएंगे, सुशील कुमार सिंह, ठीक है, सुशील कुमार याद रखना, ये छत्तीसगढ़ के प्रथम
एक्टिंग गवर्नर मतलब कार्यवाहक राज्यपाल रहे, ठीक है, 2005 में केएम सेठ के कार्यकाल के दौरान ही आए थे, ठीक। तीसरे क्रम के राज्यपाल हुए ESL नरसिम्हा, ठीक, ये तीसरे क्रम के राज्यपाल रखना। इनका कार्यकाल रहा 2007 से लेकर 2010 तक, याद रखना। इनका पूर्व पद धारित है IPS, ये कौन सा राज्य से बिलोंग करते हैं तो तमिलनाडु से रखेंगे, ठीक है। चौथा नंबर पर जाएंगे शेखर दत्त, शेखर दत्त याद रखना। इनका कार्यकाल 2010 से लेकर 2014 तक रहा, याद रखना, IAS थे, ठीक है, मध्य प्रदेश। उसके बाद शेखर दत्त के बाद दूसरे कार्यवाहक राज्यपाल आए राम नरेश यादव, ठीक है, राम नरेश यादव, ये 2014 में आए थे, ठीक। पांचवें क्रम के राज्यपाल हुए बलराम दास टंडन, ठीक है। इनका कार्यकाल 2014 से लेकर 2018 तक रहा, ये डिप्टी CM था, पंजाब के डिप्टी CM थे, ठीक है, ये पंजाब से थे। नेक्स्ट, इसके बाद कार्यवाहक राज्यपाल थे आनंदीबेन पटेल, ठीक। इनका कार्यकाल 2018 से लेकर 2019 तक रहा, कार्यवाहक था लगे, ठीक है, ये गुजरात के CM रह चुके हैं, रखेंगे, ये गुजरात से थे, ठीक। और अभी वर्तमान में छठवें क्रम के हैं अनुसुईया उइके, ठीक है, इनका कार्यकाल 2019 से लेकर अब तक है, याद रखना, मिनिस्टर रहे हैं, ठीक है, मिनिस्टर, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर, मध्य प्रदेश शासन के ग्रुप ऑफ मिनिस्टर में रहे हैं, ठीक। ये कहां से है तो मध्य प्रदेश से, ठीक है, प्रदेश का प्रथम महिला राज्यपाल अनुसुईया उइके, याद रखेंगे, ठीक। तो वर्तमान में ये छठवें क्रम राज्यपाल हैं और तीन, याद रखना, प्रदेश में कार्यवाहक राज्यपाल हो चुके हैं, ठीक है। ज्यादातर जो प्रश्न आते हैं ये राज्यपाल के क्रम और नाम आते हैं, इसको आप लोग विशेषतर ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं। पहला रहा DN सहाय, सन 2000 से 2003 तक, इनका पूर्व पद धारित IPS, बिहार संबंधित है। KM सेठ 2003 से लेकर 7 तक ये आर्मी में थे और याद रखना उत्तर प्रदेश। उसके बाद इन्हीं कार्यकाल दौरान सुशील कुमार सिंधे यहाँ के कार्यवाहक राज्यपाल बने, प्रथम कार्यवाहक राज्यपाल। उसके बाद ESL नरसिम्हन, ठीक है, ये 2007 से 10 तक रहे IPS तमिलनाडु। उसके बाद शेखर दत्त 2010-2014 IAS मध्य प्रदेश से। उसके बाद राम नरेश यादव आए, ठीक, 2014 में कार्यवाहक रहे। बलराम दास जी टंडन 2014 से 2018 तक, ये पंजाब के डिप्टी CM थे। उसके बाद आनंदी पटेल 2018 से लेकर 2019 तक रहे, ठीक, इनका पूर्व पदाधारित है CM गुजरात से, वर्तमान में अनुसुईया उइके 2019 से मिनिस्टर के पद पर थे, मध्य प्रदेश से हैं, ठीक है। तो ये हो गए तीन कार्यवाहक राज्यपाल, एक सुशील कुमार, दूसरा राम नरेश यादव और तीसरा आनंद, ठीक है, ये हो गए छत्तीसगढ़ के राज्यपाल। नेक्स्ट देखते हैं छत्तीसगढ़ की कार्यपालिका, ठीक है। कार्यपालिका में राज्यपाल के बारे में पढ़ेंगे, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद के बारे में पढ़ेंगे, राज्यपाल के बारे में पढ़ चुके हैं, तो नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के बारे में, ठीक है, चीफ मिनिस्टर। ये राज्य का वास्तविक प्रमुख होता है, ठीक है, वास्तविक प्रमुख होता है, जबकि राज्यपाल संवैधानिक प्रमुख होता है, ठीक है। नेक्स्ट, अनुच्छेद 167 में CM के कर्तव्यों का उल्लेख है कि समय समय पर राज्य के प्रशासन के बारे में राज्यपाल को जानकारी दें। नेक्स्ट जाएंगे सरकारिया आयोग, सरकारिया आयोग का सिफारिशें तो बहुत सारे हैं, दो सिफारिशें महत्वपूर्ण हैं। पहला कि किसी भी राज्य में यदि राज्यपाल की नियुक्ति किया जा रहा है तो वहां के CM से एक बार परामर्श लेना चाहिए, ठीक है। दूसरा नंबर, वह उसी राज्य का व्यक्ति नहीं होने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण,
राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का पदेन अध्यक्ष होता है मुख्यमंत्री। ठीक। नेक्स्ट है राज्य निवेश संवर्धन बोर्ड। राज्य निवेश संवर्धन बोर्ड का भी पदेन अध्यक्ष होता है। नेक्स्ट याद रखेंगे राज्य विकास खंड। राज्य विकास खंड पुनर्गठन आयोग का भी पदेन अध्यक्ष होता है, याद रखना, मुख्यमंत्री। अब तक छत्तीसगढ़ में कुल 3 मुख्यमंत्री हो चुके हैं, ठीक है, जिनमें पहला मुख्यमंत्री है अजीत प्रमोद कुमार जोगी, ठीक है। इनका कार्यकाल सन 2000 से लेकर 2003 तक रहा, ठीक, पार्टी याद रखना कांग्रेस। उसके बाद डॉक्टर अमन सिंह, ठीक है, ये आपका 2003 से लेकर 2018 तक रहे, ठीक है, ये 3 बार रहे, याद रखना, बीजेपी के। वर्तमान में है भूपेश बघेल, वर्तमान में रखना भूपेश बघेल। चलिए नेक्स्ट देखते हैं छत्तीसगढ़ के मंत्रिमंडल, ठीक है, मैं इसके से लिख दिया हूँ ताकि थोड़ा जल्दी हो, लिखने में थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है। तो मंत्रिमंडल या ग्रुप ऑफ मिनिस्टर, तो प्रदेश में मंत्रिमंडल में कौन कौन से प्रकार के मंत्री होते हैं, तीन में एक होता है कैबिनेट मंत्री, दूसरा राज्य मंत्री, तीसरा संसदीय सचिव। ध्यान रखना छत्तीसगढ़ के मंत्रिमंडल में उप मंत्री का प्रावधान नहीं, याद रखेंगे, ठीक है। उसके बाद छत्तीसगढ़ में मंत्रिमंडल का प्रथम बार गठन हुआ था 12 दिसंबर सन 2000 को, ठीक, जबकि प्रथम विधानसभा सत्र 14 दिसंबर सन 2000 से 20 दिसंबर या 19 दिसंबर, ठीक है, 20 दिसंबर या 19 दिसंबर, विकल्प देखें जो भी हो जाए, सन 2000 तक लगभग 6 दिन तक ये राजकुमार कॉलेज के जसपुर हाल में चला था, ठीक है, राजकुमार कॉलेज के जसपुर हाल में प्रथम विधानसभा सत्र चला था। उसके बाद आकार, तो प्रदेश में मंत्री परिषद की आकार मुख्यमंत्री एवं ग्रुप ऑफ मिनिस्टर को मिलाकर 13 से अधिक नहीं हो सकते। यह प्रावधान 91 संविधान संशोधन सन 2003 के तहत कर दिया गया कि किसी भी राज्य में मंत्री परिषद के आकार निचले सदन अर्थात विधानसभा की कुल सीटों के 15% से अधिक नहीं हो सकती। नेक्स्ट शपथ, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर को शपथ राज्यपाल दिलाता है, नियुक्ति भी राज्यपाल करेगा, ये मुख्यमंत्री के परामर्श या अनुशंसा पर होगी, याद रखना। किसी भी मंत्री का नियुक्ति राज्यपाल अपने स्वविवेक के आधार पर नहीं करेगा, ठीक है। उसके बाद जाएंगे वेतन, वेतन का निर्धारण कौन करता है, तो विधानसभा करता है, ठीक। अभी एग्जाम में पूछे जा रहे हैं कि कई पदाधिकारियों के वेतन, ठीक है, इनमें देखते जाओ 35,000 मुख्यमंत्री का पेमेंट है 35,000, दूसरा हो जाएंगे विधानसभा अध्यक्ष का जाएंगे 32,000, उसके बाद 30,000 हो जाएगा ग्रुप ऑफ मिनिस्टर मतलब मंत्रिमंडल और नेता प्रतिपक्ष का, चौथा याद रखना 28,000 पेमेंट है राज्य मंत्री, ठीक, एवं उपाध्यक्ष का, पांचवा 21,000 है संसदीय सचिव का, और छठवां याद रखना 20,000 है सदस्य अर्थात विधायक का। अब आप लोगों में से कईयों का मैसेज आता है कि सर इतने इतने कम कम पेमेंट क्यों है, तो ये बेसिक है, इसके अधीन लोगों को निर्वाचन भत्ता, चिकित्सा भत्ता, ठीक, संचार भत्ता, परिवहन भत्ता, ऐसे करते करते ये मान के चलिए कई लाखों तक पहुंच जाता है, ठीक, ये बेसिक ख्याल रखना, ठीक है। यदि आप इनको देखना है तो छत्तीसगढ़ विधानसभा की वेबसाइट में इसका पूरा उल्लेख आप देख सकते हैं, ठीक, बन जाएंगे। नेक्स्ट देखेंगे विभाग, तो प्रदेश में 22 सचिवालय के अधीन 48 विभाग, याद रखना 22 सचिवालय के अधीन 48 विभाग है, ठीक है। जैसे गृह मंत्रालय है तो गृह मंत्रालय के अधीन एक पुलिस विभाग आएंगे, दूसरा जेल विभाग और तीसरा जाएंगे होमगार्ड, मतलब एक सचिवालय के अधीन ये 3 विभाग हो गया, ठीक है। उसी प्रकार याद रखना कार्मिक विभाग के अधीन कोई भी निदेशालय नहीं होता, डायरेक्टेड नहीं होता है, जबकि कृषि, गृह, पंचायत, स्वास्थ्य सब में होते हैं, याद रखना, ठीक। एक बार क्वेश्चन आया था छत्तीसगढ़ में गृह मंत्री क्रम, तो पहला नंद कुमार पटेल हो जाएंगे, दूसरा ब्रजमोहन अग्रवाल, तीसरा रामविचार नेताम, चौथा हो जाएंगे राम सेवक पैकरा, और अभी वर्तमान में है ताम्रध्वज साहू, याद रखना, ठीक है। कार्य में रखेंगे संबंधित विभाग का कार्य करना, उसके साथ ही साथ इनको प्रभारी मंत्री बनाया जाता है संबंधित जिला का, तो ये संबंधित जिले के विकास कार्यों का अनुश्रवण करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट विशेषता रखना, यदि बजट विधानसभा में प्रस्तुत होने के पूर्व खुल जाए तो संबंधित वित्त मंत्री को त्याग पत्र देना पड़ता है। नेक्स्ट
मंत्रिमंडल के कार्यों में हेल्प कौन करते हैं, ध्यान रखना सचिवालय और निदेशालय, ठीक है, ये दोनों के दोनों सहयोग करते हैं, दोनों के द्वारा ही कार्य संपन्न किया जाता है। नेक्स्ट कार्य विभाग, इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके, इसके अधीन कोई भी डायरेक्टरेट नहीं है, ध्यान रखना, जबकि कृषि, गृह, स्वास्थ्य, पंचायत ये सब के अधीन होते हैं, ठीक है, ये हो गया मंत्रिमंडल। नेक्स्ट देखते हैं छत्तीसगढ़ के वर्तमान मंत्रिमंडल, ठीक है, छत्तीसगढ़ के वर्तमान मंत्रिमंडल हम लोग पूर्व में पढ़ चुके हैं, एक बार मैं फिर बता रहा हूं कि छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री सहित अधिकतम, ठीक है, छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री सहित मंत्री परिषद का आकार 13 से अधिक नहीं हो सकता, ठीक है। यदि प्रशासन में प्रश्न की बात की जाए तो 50% प्रश्न यही से बनने की चांसेस है, ठीक है। तो हम लोग संबंधित मंत्रियों को उनके विधानसभा चुनाव क्षेत्र से पढ़ते हैं एवं उनके विभागों को देखते हैं, ठीक है, इसको भी संभागवार याद करने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। सबसे पहले देखेंगे बस्तर संभाग, बस्तर संभाग के सुकमा के कोंटा से, सुकमा कोंटा से है कवासी लखमा याद रखना, ये वाणिज्य कर अबकारी मंत्री और उद्योग मंत्री, याद रखना, ठीक है, उद्योग मंत्री और वाणिज्य कर अबकारी मंत्री याद रखेंगे, ठीक है। ये बस्तर संभाग से कवासी लखमा, वाणिज्य कर अबकारी और दूसरा उद्योग मंत्री, ठीक है। रायपुर संभाग के आरंग से है शिव डहरिया याद रखना, ये नगरी प्रशासन एवं श्रम मंत्री याद रखेंगे, ठीक है, नगरी प्रशासन एवं श्रम मंत्री। उसके बाद बिलासपुर संभाग के रायगढ़ के खरसिया, ठीक, रायगढ़ के खरसिया से है उमेश पटेल, ये उच्च तकनीकी शिक्षा युवा खेल कल्याण मंत्री याद रखना, उमेश पटेल, ठीक है। नेक्स्ट कोरबा से है जय सिंह अग्रवाल, ये है राजस्व आपदा प्रबंधन मंत्री याद रखना, जय सिंह अग्रवाल, ठीक। यदि सरगुजा संभाग की बात करेंगे तो पहला जाएगा सीतापुर से विधायक हैं अमरजीत सिंह भगत, ठीक, ये संस्कृति मंत्री हैं और खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री हैं और विश्व शक्ति कार्यक्रम योजना हो रहा है, ठीक है, संस्कृति, खाद्य, नागरिक आपूर्ति निगम और विश्व शक्ति कार्यक्रम। नेक्स्ट अंबिकापुर, सरगुजा की अंबिकापुर से सर्वचर्चित आप सभी जान रहे हैं टीएस सिंहदेव, ये एक पंचायत मंत्री है, पंचायत विभाग है, ठीक, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, दूसरा स्वास्थ्य विभाग इनके पास है, ठीक है, और तीसरा जाएंगे चिकित्सीय शिक्षा विभाग इनके पास है, उसके बाद जीएसटी, ठीक, पंचायत और उसके बाद जाएंगे आपका स्वास्थ्य मंत्री ही है, ठीक है, चिकित्सीय शिक्षा मंत्री है और जीएसटी। नेक्स्ट सूरजपुर के प्रतापपुर से है प्रेम सिंह टेकाम याद रखना, ये स्कूली शिक्षा मंत्री याद रखना, इसके साथ ही साथ ये ST SC OBC अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय इनके अधीन है और एक मोस्ट अहम भी याद रखना सहकारिता मंत्रालय इनके अधीन, ठीक है। एक बार फिर देखते हैं बस्तर संभाग में कवासी लखमा, रायपुर संभाग में शिव डहरिया, ठीक है, बिलासपुर संभाग में उमेश पटेल और कोरबा से जाएंगे जय सिंह अग्रवाल, ठीक है, सरगुजा संभाग में अमरजीत सिंह और अंबिकापुर से टीएस सिंहदेव और सूरजपुर के प्रतापपुर से प्रेम साय टेकाम, ठीक है, ये हो गए 7 मंत्री याद रखना, ठीक। शेष सभी मंत्री
कहां से है तो दुर्ग संभाग से, दुर्ग संभाग के कवर्धा, दुर्ग संभाग के कवर्धा से है मोहम्मद अकबर। ठीक है, मोहम्मद अकबर जो सर्वाधिक वोट अंतराल से विजित हुए थे, इनका मंत्रालय है पहला सड़क परिवहन, दूसरा पर्यावरण, तीसरा विधायी कार्य। ठीक है, परिवहन है, पर्यावरण है, विधायी कार्य, उसके बाद बेमेतरा, बेमेतरा की साजा बेला से, ठीक है, रविंद्र चौबे, रविंद्र चौबे याद रखना मंत्री, ये आपका कृषि मंत्री है, मत्स्य, ठीक, सिंचाई, उसके बाद संसदीय कार्य मंत्री, ये सब याद रखना, रविंद्र चौबे के नाम आएंगे। दुर्ग ग्रामीण, दुर्ग ग्रामीण से विधायक हैं ताम्रध्वज साहू। ठीक है, ताम्रध्वज साहू याद रखना, ये है गृह मंत्री है, दूसरा लोक निर्माण विभाग इन्हीं के पास है, पीडब्ल्यूडी विभाग। ठीक है, और तीसरा हो जाएंगे पर्यटन मंत्री। ठीक, पर्यटन मंत्री याद रखना, गृह जेल होमगार्ड सब इसी में आएंगे, गृह जेल वाला में, उसके बाद पीडब्ल्यूडी और पर्यटन। ठीक है, नेक्स्ट जाएंगे पाटन, आप सभी जान रहे हैं भूपेश बघेल। ठीक है, भूपेश बघेल पहला ये सीएम है, दूसरा वित्त मंत्री, वित्त मंत्रालय इन्हीं का अधीन है। ठीक है, ऊर्जा हो गया, नेक्स्ट खनिज हो गया, और जनसंपर्क, ठीक, जनसंपर्क, और ऐसा मंत्रालय जो किसी अन्य मंत्री के पास नहीं है वह स्वमेय रूप से मुख्यमंत्री के अधीन आएंगे, मतलब भूपेश बघेल होंगे। नेक्स्ट आएंगे अहिवारा, दुर्ग के अहिवारा से हैं गुरु रुद्र कुमार, गुरु रुद्र कुमार यार, ये हैं पीएचई मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री। ठीक है, उसके बाद बालोद के डोंडी लोहारा, बालोद के डोंडी लोहारा, डोंडी लोहारा से हैं अनिला भेड़िया। ठीक है, ये है महिला बाल विकास एवं समाज कल्याण मंत्री, महिला विकास, महिला बाल विकास एवं समाज कल्याण मंत्री। एक बार फिर देखते हैं, सबसे पहले बस्तर संभाग के कोंटा से कवासी लखमा अबकारी, अबकारी मिनिस्टर है, और दूसरा उद्योगिनी का अधीन आता है। आरंग से जाएंगे शिवढरिया, नगरी प्रशासन और श्रम मंत्री हैं। खरसिया से उमेश पटेल, उच्च तकनीकी शिक्षा युवा कल्याण, ये सभी इन्हीं के विभाग के अधीन है। उसके बाद कोरबा से जय सिंह अग्रवाल, राजस्व आपदा प्रबंधन। ठीक है, नेक्स्ट सीतापुर से अमरजीत सिंह भगत, संस्कृति मंत्री, खाद्य नागरिक आपूर्ति निगम, ठीक, योजना। उसके बाद अंबिकापुर से है टी एस सिंहदेव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास। उसके बाद जाएंगे आपका स्वास्थ्य मंत्री, चिकित्सीय शिक्षा, ठीक है, चिकित्सीय शिक्षा रखना। उसके बाद जेस्टी, नेक्स्ट जाएंगे प्रतापपुर, प्रतापपुर से जाएंगे प्रेम सह टेकाम, स्कूली शिक्षा मंत्री, सहकारिता और एसटी एससी ओबीसी अल्पसंख्यक, ठीक, मंत्रालय इन्हीं का अधीन है। नेक्स्ट देखेंगे दुर्ग संभाग, दुर्ग संभाग के कवर्धा से हैं मोहम्मद अकबर, परिवहन मंत्री, पर्यावरण और विधायी कार्य मंत्री हैं, जबकि बेमेतरा के साजा बिरला से रविंद्र चौबे हैं। ठीक है, कृषि, जल संसाधन, मत्स्य, ठीक, ये सब मंत्रालय इन्हीं के अधीन है। उसके बाद जाएंगे दुर्ग ग्रामीण से ताम्रध्वज साहू, गृह मंत्री हैं, लोक निर्माण विभाग इन्हीं के अधीन है, और पर्यटन मंत्री। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पाटन से भूपेश बघेल सीएम है, ठीक, वित्त विभाग इन्हीं के अधीन है, ऊर्जा, खनिज, कर्म, जनसंपर्क और वे मंत्रालय जो किसी अन्य मंत्री के पास नहीं है। नेक्स्ट जाएंगे अहिवारा, अहिवारा से गुरुद्र कुमार, याद रखना पीएचई मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी। ठीक है, उसके बाद बालोद के डोंडी लोहारा से जाएंगे अनिला भेड़िया, ये महिला एवं बाल विकास मंत्री है। ठीक है, तो ये हो गया प्रदेश में वर्तमान मंत्रिमंडल की स्थिति। देखते हैं हम लोग केंद्रीय विधायिका, छत्तीसगढ़ में केंद्रीय विधायिका दल। ठीक है, तो केंद्रीय विधायिका को संसद के नाम से जानते हैं, याद रखेंगे। ठीक है,
और आप सभी जानते हैं कि भारतीय संसद के तीन अंग हैं, ठीक है। भारतीय संसद के तीन अंग हैं, जिनमें पहला है लोकसभा, दूसरा हो जाएगा राज्यसभा और तीसरा है भारत के राष्ट्रपति, ठीक है। छत्तीसगढ़ में लोकसभा सीटों की संख्या है 11, जबकि राज्यसभा सीटों की संख्या है 5, ठीक है। वर्तमान में छत्तीसगढ़ में लोकसभा सीटों की संख्या 11 है और राज्यसभा सीटों की संख्या 5 है। यदि हम इन दोनों को मिलाएं तो कुल सीटों की संख्या हो जाएगी 16, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ में कुल कितने सांसद हैं, तो 16 याद रखना, 16 सीट है, ठीक है। सबसे पहले देख लेते हैं हम लोग राज्यसभा। वर्तमान में छत्तीसगढ़ में 5 राज्यसभा सीट है, रखना, ठीक है। जिनमें से तीन सीट पर कांग्रेस के सांसद हैं और 2 सीट पर बीजेपी के, याद रखेंगे। जिनमें से एक हो जाएंगे फूलो देवी नेताम, याद रखना, ठीक है। दूसरा है केटीएस तुलसी, ठीक है। और तीसरा हो जाएंगे छाया वर्मा, ये तीन याद रखना कांग्रेस के। यदि हम बीजेपी की बात करेंगे तो पहला हो जाएगा सरोज पांडे याद रखना। दूसरा जाएंगे राम विचार नेता, ठीक है। तो ये छत्तीसगढ़ के 5 राज्यसभा सीटों के सांसद, ठीक है। इनमें से 3 कांग्रेस के हैं और 2 बीजेपी, ठीक है। अब देखते हैं लोकसभा। इसमें से एक पॉइंट ध्यान रखना, राज्यसभा में आरक्षण की स्थिति नहीं है, लेकिन लोकसभा में आरक्षण की स्थिति है, मतलब इसमें आरक्षण का प्रावधान है। तो प्रदेश के 11 लोकसभा सीटों में से 5 सीट आरक्षित है, 5 सीट याद रखना आरक्षित है, जिनमें से 4 सीट एसटी के लिए है तो 1 सीट एससी के लिए है, ठीक है। 4 सीट याद रखना अनुसूचित जनजाति के लिए और 1 सीट याद रखना अनुसूचित जाति के लिए, ठीक है। और 6 सीट अनारक्षित, याद रखना अनरिजर्व है, ठीक है। लेकिन परिसीमन के पूर्व, ध्यान रखेंगे, परिसीमन के पूर्व 6 आरक्षित सीट थे और 5 अनारक्षित थे। ये परिसीमन के पूर्व की बात है, ठीक है। उनमें 4 था एसटी और 2 था एससी सीट, ठीक है। लेकिन परिसीमन किया गया तो सारंगढ़ एससी लोकसभा सीट था, इसको समाप्त करके इसके स्थान पर कोरबा अनारक्षित सीट सृजित की गई है। इस कारण आरक्षित की संख्या कितनी हो गई, आरक्षित की संख्या 1 कम होकर 5 हो गया और अनारक्षित सीटों की संख्या 1 बढ़कर 6 हो गया, याद रखेंगे, ठीक है। अब देखते हैं कि छत्तीसगढ़ में कौन कौन सा सीट आरक्षित है और कौन कौन सा सीट अनारक्षित है और इन सीटों पर वर्तमान में कौन कौन सांसद विराजमान है, ठीक। इनमें सबसे पहले आएगा सरगुजा, दूसरा जाएगा रायगढ़, तीसरा कांकेर और चौथा बस्तर। ये 4 लोकसभा सीट अनुसूचित जनजाति एसटी वर्ग के लिए आरक्षित है। कौन कौन सा, सरगुजा 1, रायगढ़ 2, कांकेर 3, बस्तर 4, ठीक है। उसके बाद एक सीट जांजगीर चांपा, एक सीट याद रखेंगे जांजगीर चांपा, ये अनुसूचित जाति एससी वर्ग के लिए आरक्षित लोकसभा सीट है, ठीक है। अब बात आती है अनारक्षित वर्गों का। तो अनारक्षित वर्ग में पहला हो जाएगा कोरबा,
ठीक, इसके बारे में पढ़ चुके हैं। कोरबा लोकसभा सीट बनने के पूर्व याद रखेंगे सारंगढ़ लोकसभा सीट था जो SC वर्ग के लिए आरक्षित था, लेकिन वर्तमान में कोरबा और वो भी अनारक्षित है। दूसरा हो जाएंगे बिलासपुर, तीसरा हो जाएगा राजनांदगांव, चौथा दुर्ग, पांचवा रायपुर, छठवा महासमुंद। ठीक है, तो ये 6 अनारक्षित और 5 आरक्षित सीट है। अब देखते हैं कि वर्तमान में इन सीटों से कौन कौन सांसद निर्वाचित हुए हैं। सबसे पहले सरगुजा से जाएंगे रेणुका सिंह, याद रखना, जो वर्तमान में मोदी कैबिनेट में राज्य मंत्री के पद पर विराजमान है। रायगढ़ से जाएंगे गोमती सा, ठीक है। कोरबा से याद रखना ज्योत्सना महंत, ठीक है, ज्योत्सना महंत याद रखना कोरबा से। जबकि जांजगीर चांपा से हैं गुहाराम अजगल्ले, ठीक है। नेक्स्ट बिलासपुर से जाएंगे अरुण साव, बिलासपुर से याद रखना अरुण साव। राजनांदगांव से जाएंगे संतोष पांडे। नेक्स्ट दुर्ग से आएगा विजय बघेल। उसके बाद आएगा रायपुर से आएंगे सुनील सोनी, ठीक है। जबकि महासमुंद से आएंगे चुन्नीलाल साहू। उसके बाद कांकेर से आएंगे मोहन मंडावे, ठीक है। और बस्तर से आएगा दीपक बैज याद रखेंगे, ठीक है। तो प्रदेश की 11 लोकसभा सीट में से 9 सीट पर BJP के सांसद हैं और 2 सीट पर कांग्रेस के सांसद हैं, ठीक है। तीन में कांग्रेस के कौन 2 सांसद हैं, तीन में एक हो जाएंगे ज्योत्सना महंत और दूसरा जाएंगे दीपक बैज। ये हो गया प्रदेश में केंद्रीय विधायिका अर्थात संसद की स्थिति है।